हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो अभी यहाँ पे ना सुबह का नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में आज आलू पोहा बन रहा है। और आलू पोहा ना हम दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ी बहन को और मुझे। छोटी बहन उतना खास खाती नहीं है, लेकिन बचपन से ना हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक बार ना हम एक महाराष्ट्रियन के घर गए थे और वहाँ पे वो लोग आलू पोहा बनाए थे, तो तब से ना हम मतलब हमारा फेवरेट बन गया है आलू पोहा। लेकिन हम कितना भी अच्छा बनाएं वो वाला टेस्ट तो नहीं आता है जैसे महाराष्ट्रियन बनाते हैं ना, वो वाला टेस्ट नहीं आता है। फिर भी हम बनाते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे बच्चे उतना खास खाते नहीं हैं लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो हमारा नाश्ता हो गया है और माँ बर्तन धो लेती है। फिर बाद में ना यहाँ पे देखो वेंकटेश आज हमारे लिए खाना बना रहा है। तो कहा है कि दीदी आप लोग आज जा रहे हो ना, तो मैं आज आपके लिए मतलब सभी के लिए खाना बनाता हूँ, तो इसीलिए देखो यहाँ पे खाना बना रहा है। तो इसे ना थोड़ी बहुत खाना बनाना आता है। तो जो लोग पढ़ने के लिए और जॉब करने के लिए घर से दूर रहते हैं ना, वो लोग खाना बनाना सीख ही जाते हैं। मतलब जब अलग सा रूम लेके रहने वाले होते हैं ना, जैसे फ्रेंड्स के साथ बैचलर जो होते हैं, तो वो थोड़ी बहुत खाना बनाना सीख ही जाते हैं। तो यहाँ पे वही खाना हमें बना रहा है। तो देखो आज मटन बन रहा है। तो अगर आपको किसी को भी ये देखना अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। तो हम नॉनवेज खाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप नॉनवेज खाते हो कि नहीं, तो हाँ हम नॉनवेज खाते हैं। तो यहाँ पे ना वेंकी बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहा था, तो हम प्यार से वेंकी ही बोलते हैं, पूरी नाम से हम बुलाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसीलिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहा था और हम ना भूल गए थे कि पुदीना है करके, नहीं तो हम किसी भी नॉनवेज करी में ना पुदीना डालते ही है। तो फिर याद आ गया, तो अभी आके फिर पुदीना को तोड़ के ले जा रहे हैं। और यहाँ पे ना ये जो गुड़हल का पौधा है, तो बहुत ही छोटे पौधे पे ही इतने सारे फूल लग गए थे, तो वही पूछ रही थी कि ये पौधा कहाँ से लाया है करके बहन। तो मैं बता रही थी कि ये पौधा जो है पापा बाहर से खरीद के लाए थे, लेकिन ये देखो इतनी छोटी सी पौधे पे ही चार पांच फूल जो है वो खिलने लगते हैं, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी ना एक बार बहन जो है वो देखती है सब्जी को, मतलब उसने तो परफेक्ट सभी डाला है लेकिन फिर भी एक बार चेक करती है। और यहाँ पे देखो कितना हंसी मजाक कर रहा है। तो जब भी वेंकटेश हमारे साथ होता है तो बहुत ही ज़्यादा हमें हंसाता है, पता नहीं टाइम का भी बिल्कुल पता नहीं चलता। और पता है ये लोग आके सिर्फ दो दिन ही हो गए थे, कल आ गए थे और आज ये दूसरा दिन है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ दो दिन हुए हैं, मतलब दो दिन भी पूरी तरह से नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं ये लोग आके। और अभी यहाँ पे ना जो पुदीना लाए थे ना, उसे मैं पानी में अच्छे से साफ़ करके फिर सब्ज़ी में डाल देती हूँ, और थोड़ा सा हरी धनिया भी डाल देते हैं, और इसे अभी कुक होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर ऐसे सब्जी बनने के बाद ना चावल भी चढ़ा देते हैं। फिर बाद में ना यहाँ पे सभी के कपड़े थे, तो मैं अपने कपड़े जो है बैग में पैक कर देती हूँ, और बोल रही थी कि जिनका कपड़े हैं वो सभी अपने बैग में पैक कर लो करके। फिर देखो तुरंत ही वेंकी आता है और कपड़ों को फोल्ड करने लगता है। और यहाँ पे ना मैं बोल रही थी कि अगर ये सभी काम अभी करोगे, अगर ये वीडियो होने वाली बीवी देखेगी तो क्या कहेगी। तो बस ये बात सुनते ही देखो ये कैसे भाग जाता है अभी। तो इस तरह से वेंकी का रिएक्शन देखने के बाद ना मुझे इतनी हंसी आई कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। और जब से इसका शादी फिक्स हुआ है ना, तब से हम सभी बहनें मिलके इसी तरह से उसे चिढ़ा रहे हैं, तो बस ऐसे ही हंसी मजाक जो है वो चलता रहता है। तो इन सभी बातों के बीच में ना ये चिन्नू का शर्ट है, तो इसे ना फोल्ड करना मैं भूल गई थी, मतलब इसका एक बटन लगा हुआ था वो निकाले बिना ही मैं तब से कोशिश कर रही थी। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और आधा घंटे के बाद हमें भी निकलना चाहिए। तो जब हम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। तो इतनी देर तक हम इतना हंसी मजाक किया है और सभी लोग मिलके इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है।
अभी पापा भी ठीक हुए हैं, तो बस थोड़ा बहुत हाथ का प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि पहले से अभी बहुत हद तक वो हाथ का जो प्रॉब्लम है वो क्योर हुआ है। तो अभी हम भी इतना जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ना बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो इसीलिए हमें तुरंत ही निकलना पड़ रहा है, नहीं तो और कुछ दिन हम यहाँ पे ही रुक जाते, और बच्चे भी इतने दिन स्कूल भी नहीं गए हैं, और पता है ना आपको इतने दिन बच्चों का स्कूल भी नहीं था, और कुछ दिनों से ही जा रहे थे, और उनको एग्ज़ाम्स भी लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों बहनें। छोटी बहन अभी यहाँ पे ही रहने वाली है, और वेंकटेश और वेंकटेश की बहन जो है वो आज ही निकलने वाले हैं, तो उनका ट्रेन रात के 9 बजे का है, और ये हमारा ट्रेन जो है अभी 4 बजे का ट्रेन है, मतलब हम पैसेंजर से जा रहे हैं, और वो लोग दूर जाने वाले हैं ना, तो इसीलिए पहले ही उन्होंने ट्रेन का टिकट जो है वो बुक करके रखा है, तो बस वो लोग रात में जाने वाले हैं। तो अभी ना हम दोनों माँ और पापा से कह रहे थे कि कुछ दिन होने के बाद, मतलब 3-4 दिन में ना इनको हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, फिर जाके आने के बाद हमारे घर आने के लिए कह रहे थे, और बहन भी अभी जाने वाली है, मतलब कुछ दिन यहाँ पे रह के फिर वो भी जाने वाली है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि बहन वहाँ जाएगी और आप लोग हमारे यहाँ आने के लिए, तो बस वही कह रहे थे, अगर माँ और पापा कुछ दिनों के लिए हमारे घर आते तो अच्छा रहता, क्योंकि ना हम दोनों बहनें एक ही गांव में होते हैं, तो कुछ दिन मेरे यहाँ और कुछ दिन बहन के यहाँ रुकते तो उनको भी अच्छा लगता और हमें भी। और यहाँ पे देखो ऑटो आ गया है और हम सभी मिलके अभी जाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो चाहिए। तो देखो अभी हम रेलवे स्टेशन भी पहुंच चुके हैं, और ट्रेन ना आज बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, तो वहाँ पे हम बैठ के सोच रहे थे कि इतना टाइम अगर हम घर में होते तो सभी के साथ बातें करते हुए शायद अच्छा लगता, लेकिन ये होता है ना हम घर में होते तो लगता है कि अगर ट्रेन मिस ना हो जाए, फिर यहाँ पे आने के बाद लगता है इतना टाइम अगर हम घर में होते तो और अच्छा होता, तो बस ऐसे ही होता रहता है। और देखो दोनों की मस्ती कैसे चल रही है, चिन्नू और किशोरी की, तो बस हमारे मायके का गांव जो है वो पार करने से पहले एक नदी आता है, तो देखो ये नदी कितनी बड़ी है ना, तो सभी बच्चे ना कॉइन्स पकड़े हुए हैं नदी में डालने के लिए, तो 1 रुपये का, 2 रुपये का, नहीं तो 5 रुपये का कॉइन भी नदी में डाल रहे हैं। तो बचपन में ना हम भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे, जब नदी आने वाली होती ना तो माँ से हम कॉइन्स मांगते थे, तो माँ ना ढूंढ ढूंढ के हमें 4 आना और 8 आने की कॉइन्स देती थी, तो बस वो डाल के फिर हम प्रणाम करते थे। तो अभी ना हम घर पहुंच गए हैं, तो आज बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, 7 या 7:30 बजे हमें घर पहुंचना था, लेकिन अभी समय 8:30 हो रहा है, फिर बाद में ना हम सभी फ्रेश भी होना है और मुझे खाना भी बनाना है, तो अभी खाने में ना मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ चावल चढ़ा देती हूँ, अचार तो है घर में, आम का अचार है, और दही लाने के लिए कहती हूँ हस्बैंड से, तो बस यही हमारा रात का खाना हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ना घर आते ही और तुरंत चिन्नू ने देखो एक गिफ्ट बनाया है मेरे लिए, तो वही लेके आ गया है और मुझे खोलने के लिए कहा है, तो वो अपने हाथों से खुद बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और आप भी देखिएगा तो बहुत ही प्यारा बनाया है मेरे लिए। और पता है चिन्नू कह रहा था कि अगर हम गाँव नहीं जाते तो मैं और भी अच्छा वाला बनाता, तो इसके पास ना टाइम नहीं था, बहुत दिनों से पहले ही उसने ये बनाना शुरू किया है, फिर बीच में हम मायके गए थे ना, तो उससे पहले जो भी बनाया है तो बस वही मुझे दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा बनाया है, और आप भी देख लीजिएगा, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। तो बच्चे जो भी हमारे लिए बनाते हैं तो सभी माओं को अच्छा ही लगता है, तो मेरे बेटे ने अपने हाथों से खुद मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसे ना मैं बहुत ही अच्छे से संभाल के रखने वाली हूँ, फिलहाल तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और यहाँ पे ये सेट भी हुआ है, तो बस मैं यही पूछ रही थी चिन्नू से कि यहाँ पे रख दूँ क्या करके, तो चिन्नू को भी यहाँ पे अच्छा लगा।
तो फ्रेंड्स बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में कोई नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा।